स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 2 और उसका होल पावर क्या है हमारा 5 है, ठीक है, तो इसका हमें एक्सपेंशन करना है, तो हमें जो थर्ड टर्म मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है 2560, तो हमें बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो देखो T3 थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, T2+1, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है थर्ड टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5C2 इंटू एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स विद बेस 2, तो इसका हमारा पावर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे टर्म लिखी है 2 वो हमारा यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 2, और ये हमें क्या दी हुई है कि हमारा थर्ड टर्म हमारा क्या है 2560 के बराबर, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे 5C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ठीक है, तो इसको साइड में हम निकाल लेते हैं। तो देखो 5C2 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक, 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो इसको मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 2 से ये 4 हमारा 2 टाइम्स किया, तो 5C2 की वैल्यू हमें क्या मिली 10, ठीक है, तो ये हमारा 10, तो यहाँ से एक 0 ये 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, राइट, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हमारे पास x रेज टू द पावर लॉग है हमारे पास, ठीक है, x रेज टू द पावर लॉग x टू द बेस 2 और इसका स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, और ये तो हमारा 1 हो जाएगा, राइट, इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है 256, ठीक है। तो देखो इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, और लॉग जो लेंगे उसका बेस हमारा क्या होगा 2 होगा, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो अगर हम लॉग लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है लॉग 2, और ये जो हमारा लॉग के अंदर आएगा उसको हम लिख देते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर लॉग बेस 2 इंटू लॉग एक्स बेस 2 और इसका स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, इसके पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये जो लॉग के अंदर जो हमारा टर्म है, ठीक है, ये जो हमारा लॉग है ये वाला, उसके अंदर जो हमारा टर्म है ये हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा बराबर है 256 के, और यहाँ पे भी हमें लॉग लेना था, राइट, तो यहाँ पे भी हमें लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग तो दोनों साइड हमने लिया था, लॉग 256। तो देखो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते log 256, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं log 256 टू द बेस 2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट मेथड होता है पढ़ने का log को। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी अगर लगा सकते हैं हम, तो ये जो पावर में ये हमारा बाहर आ जाएगा, राइट, तो क्या मिलेगा हमारे पास LHS में क्या मिल रहा है, देखो 2 log, यहाँ बेस 2 है हमारे पास, ठीक है, और इधर क्या है हमारा, क्या बच रहा है, x रेज टू द पावर log 2x, ठीक है, ये हमारा लॉग के अंदर है और 2 को हमने बाहर भेज दिया, ये हमें क्या, अब देखो RHS में हमारा 256 है, 256 को हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2 की पावर 8 लिख सकते हैं हम 256 को, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा log 2 की पावर 8, ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दी। अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब देखो 2 log 2, अब log 2 के अंदर क्या है, देखो x रेज टू द पावर log x टू द बेस 2, तो ये जो पार्ट है हमारा log x टू द बेस 2, ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट भी हमारा बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, राइट, क्योंकि ये हमारा x के पावर में लिखा है, तो वो भी हमारा बाहर आ जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा 2 log 2, सिर्फ अंदर हमारे पास x बचेगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा log x टू द बेस 2, ये पार्ट हमारा बाहर आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू log 2 और 2 रेज टू द पावर 8, तो यहाँ से देखो इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारा प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं, देखो ये हमारा बेस भी सेम है 2 और हमारा अंदर जो पार्ट है वो क्या है 2 रेज टू द पावर 8, तो 2 2 हमारा सेम है, तो देखो इसको हम 8 बाहर लिख सकते हैं, राइट,
सिंपली इसको हम क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे इरेज करके इसको हम लिख देते हैं 8, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, 2 log 2 x, और इसका स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। इस पूरे log वाले पार्ट का स्क्वायर मिल रहा है इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो log x टू द बेस 2 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये इधर जाके हमारा 4 हो गया, तो प्लस माइनस 2 मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेसिक लॉग की डेफिनेशन तो यही होती थी, अब देखो लॉग एक्स टू द बेस 2 हमें क्या मिल रही, प्लस माइनस 2। तो यहाँ से बेसिक डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 रेज टू द पावर प्लस 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या मिली हमारे पास, 2 रेज टू द पावर प्लस 2 मतलब 4, एंड एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है दूसरी वैल्यू, 2 रेज टू द पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास मिली, ठीक है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, दो वैल्यूज हमें मिली हैं। तो x इक्वल्स टू 4 ये वैल्यू तो एक है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी x इक्वल्स टू 4 हमारा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। थैंक यू।